इसराइल के अंत की उल्टी गिनती शुरू। अगर दुनिया सोच रही है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में ही जंग चल रही है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक भयंकर बारूदी धमाके शुरू हो चुके हैं। इसराइल गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक 6 फ्रंट पर जंग करने का दावा कर रहा है, जबकि हमास, हिजबुल्ला और अब ईरान दावा कर रहे हैं कि उनके लड़ाके इसराइल से तब तक जंग करेंगे जब तक कि इसराइल का वजूद खत्म नहीं हो जाता। यहूदी देश इसराइल से नफरत का आलम यह हो चुका है कि अब इसराइल पर 400 से ज्यादा आत्मघाती हमले करने की तैयारी अकेले ईरान ही कर रहा है। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, इसे जरा समझ लीजिए। ईरान के दावों के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को इसराइल ने सीरिया में मार डाला है। दावों के मुताबिक मोसावी को हवाई हमले में इसराइल ने मारा है। इधर मिडिल ईस्ट से जुड़े जानकारों के मुताबिक ईरान के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावा के मारे जाने से पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। ब्रिगेडियर जनरल की मौत ईरान का बारूदी बदला। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कहा कि सीरिया में हवाई हमले में ब्रिगेडियर जनरल रजी मोसावी को मारने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कहा, बिना कोई शक के ये कार्रवाई क्षेत्र में कब्जा करने वाले ज़ायोनी शासन यानी इसराइल की हताशा, असहायता और अक्षमता का एक और संकेत है। ईरानी कमांडर सैयद रजी मोसावा की सीरिया में हत्या के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त आक्रोश है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल को तबाह करने तक की धमकी दे दी है। मोसावी की हत्या को लेकर ईरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इजरायली स्ट्राइक से भड़के ईरान ने अब बदले की योजना बनाई है। उधर इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इजरायल पर 7 अलग अलग थिएटरों में हमले जारी हैं। हालांकि उन्होंने 6 फ्रंट पर जोरदार पलटवार का दावा भी किया है। अब सवाल उठता है, आखिर इसराइल ने सीरिया में घुसकर ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को क्यों मार डाला? आइए कुछ और खास जानकारी भी आपसे साझा करते हैं। दरअसल ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी की मौत से ईरान बुरी तरह से बौखला गया। ये पूरी डिटेल देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ईरान ने धमकी दी कि इसराइल के अंत की उल्टी जो गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सीरिया के उत्तरी पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मोसावी को मारा गया। और ईरानी मीडिया की खबर यहां पर क्या कहती है, ईरानी मीडिया की खबरों के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोसावी दोपहर 2 बजे तक ईरानी दूतावास में मौजूद थे। दूतावास दोपहर करीब 1 बजे, घर में धमाका होता है और बगीचे में जाकर लाश गिर जाती है। जी हां, दोपहर 3 बजे का वो वक्त था जब ब्रिगेडियर जनरल मोसावी घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद ठीक उसी वक्त ईरानी दावों के मुताबिक इसराइल की 3 मिसाइलों ने ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी के घर को कुछ इस तरह से उड़ा दिया। और इसके बाद आपको ये बताते हैं हुआ क्या। चश्मदीदों ने जो देखा उसके मुताबिक अब आपको बता रहे हैं, इजरायली मिसाइलों का धमाका इतना जोरदार था, इतना जबरदस्त और खौफनाक था कि ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी का शव जो है वो घर से उछलकर कुछ इस तरह से बगीचे में जा गिरा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दहशत भर जाती है और उनका पूरा घर देखिए किस तरह से तबाह यहां पर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दमिश्क सीरिया, दोपहर 3 बजे और घर में धमाका होता है और लाश जो है वो बगीचे में गिर जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि मोसावी ईरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी के सहयोगी थे, यानी कि सहयोगी यहां पर बताए गए जिन्हें अमेरिका ने साल 2020 में मार गिराया था। ये वो साल था, साल 2020, लेकिन जबकि इसराइल का जो दावा है वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी सीरिया में ईरान के सैन्य अभियानों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, यानी जिनका जिक्र इस वक्त हम यहां पर कर रहे हैं। हिजबुल्ला को हथियार सप्लाई कर रहे थे और हमास की भी पूरी पूरी मदद कर रहे थे। इसराइल का भी ये दावा है कि मोसावी लगातार इसराइल पर हिजबुल्ला से हमले यहां पर करवा रहे थे। یک اقدام نوجوان مردانه و برخلاف کنوانسیون های بین المللی اقدام رژیم صهیونیستی انجام شد که طبیعتا حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنایت خودش رو
در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتما خواهد بود. कुछ दावों के मुताबिक ईरान ने अपने कमांडर मोसावी की हत्या का बदला लेने के लिए इसराइल के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया है। ईरान ने फिदायीन हमलों से इसराइल को दहलाने की योजना बनाई है। इसके लिए अफगान लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अफगान लड़ाके इसराइल पर आत्मघाती हमले करेंगे। गाजा जंग और सीरिया में इसराइली स्ट्राइक से भड़के ईरान का प्लान दुनिया भर में इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने का है। ईरान इसराइल में आत्मघाती हमले कर सकता है, इसके लिए उसने खतरनाक प्लानिंग की है। सूत्रों के मुताबिक जनरल हामिद अब्दुल्लाही के नेतृत्व में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स आर पार की जंग की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के दावों के मुताबिक आईआरजीएस के कुछ फोर्स की यूनिट 400 इसराइली ठिकानों को चिन्हित कर चुकी है जहां पर आत्मघाती हमले की योजना है। इसके लिए अफगान लड़ाकों की बाकायदा भर्ती भी जारी है। अपने समर्थक समूहों के खिलाफ इसराइल और अमेरिकी स्ट्राइक से बौखलाए ईरान ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। साल 2020 में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इसी तरह से हवाई हमले में मार डाला था। ठीक उसी तरह से इसराइल ने ब्रिगेडियर जनरल मोसावी को मार डाला है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल की उल्टी गिनती का दावा करना शुरू कर दिया है। ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी की शहादत पर मैं ईरान और सीरिया दोनों देशों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस सम्माननीय शहीद ने आतंकवादियों के खिलाफ ईरान और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद हज कासिम सुलेमानी के साथ कई वर्षों तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अब तेल अवीव की एक कठिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गाजा में भले ही इजरायली सेना ने बढ़त बना रखी हो, लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू को भी मानना पड़ा कि गाजा युद्ध में इजरायली सैनिक काफी संख्या में मारे गए हैं, जो हालात को और बदतर बना रहे हैं। ये हालात अब मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक खराब हो चुके हैं, क्योंकि हूथी और ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि हूथी और ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां कहां हमला किया है। अमेरिका ने यह तो नहीं बताया कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर कब हमला किया था, लेकिन यह जरूर बताया कि उत्तरी इराक में मौजूद अमेरिका के एरबिल एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया था। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिका सैनिकों पर यह हमला ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने किया था। इराक में ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्ला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन 3 सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। कताइब हिजबुल्ला ने अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमले कैसे किए इसकी जानकारी नहीं दी गई और न ही घायल अमेरिकी सैनिकों के नाम बताए गए। इराक में कताइब हिजबुल्ला के हमलों से अमेरिका बौखला गया है। मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक इसराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान रूस की शह पर अब जंग में खुलकर कूदने लगा है। हूथी चुन चुनकर समंदर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों और टैंकरों पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान के कताइब हिजबुल्ला के लड़ाकों पर ऐसा भीषण हमला किया है, जिसकी वजह पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के दावे किए जाने लगे हैं। हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के कताइब हिजबुल्ला लड़ाकों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। जरा देखिए कैसे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्ला पर भीषण हवाई हमले किए हैं। कताइब हिजबुल्ला पर अमेरिका ने ये हमले इराक और सीरिया में किए हैं। सोमवार यानी 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताइब हिजबुल्ला पर हमला किया था। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्ला लड़ाकों के 3 ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है। खबर के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद ये हमले किए गए। अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में कताइब हिजबुल्ला और कई समूहों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 3 ठिकानों पर हमले किए।
ये सटीक हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरानी प्रायोजित मिलिशिया हमलों का जवाब है। कताई हिजबुल्ला सरीखे समूहों ने अरबिल एयरबेस पर हमला किया था। इसराइल और अमेरिका इस वक्त मिडल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में डबल युद्ध से जूझ रहे हैं। पीएम नेतन्याहू को लग रहा था कि हमास युद्ध विराम इसराइल की शर्तों पर जरूर करेगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर्स ने साफ दावा कर दिया है कि हमास सीज फायर नहीं करेगा और न ही कोई समझौता। वो आखिरी दम तक जंग करेगा। गाजा पट्टी में इस वक्त उत्तरी गाजा से ज्यादा भीषण जंग दक्षिणी गाजा में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि इसराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। 24 दिसंबर को इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठनों ने इजिप्ट या कहें मिस्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगठन गाजा की हुकूमत किसी तीसरी ताकत को सौंप देते हैं तो इजरायल परमानेंट सीज फायर कर देगा, लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हम आपको हमास नेता यहिया सिनवार का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जिसमें इजरायल सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हमास के कसाई का दावा, मार दिए 1500 इजरायली सैनिक। इजरायल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के टॉप नेता और कमांडर यहिया सिनवार ने दावा भी किया कि हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने 5000 से अधिक इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया और उनमें से करीब 1500 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा इजरायल की ओर से जारी नहीं किया गया है। हमास नेता सिनवार ने इजरायली सैन्य उपकरणों को नष्ट करने की संख्या के बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इजरायली सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। सिनवार ने इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जे को मान लेने की शर्तों पर कभी समझौता नहीं होगा और न ही हमास कभी सरेंडर करेगा। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा का दौरा किया है और साफ शब्दों में कहा कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि इसराइली सेना इस जंग को तब तक बंद नहीं करेगी जब तक वो गाजा में मौजूद हर आतंकी संगठन का कब्जा खत्म नहीं कर देती। אמש שוחחתי שוב עם הנשיא ביידן. אני מעריך את עמדתה האיתנה של ארצות הברית במועצת הביטחון, עמדה שתומכת במאמץ המלחמתי שלנו. אמרתי אתמול לנשיא ביידן שאנחנו נילחם עד לניצחון המוחלט. ייקח כמה זמן שזה ייקח. הלכי ישראל כבישון חמלו סי גאזה לגבק תבאה הוא צוקה. זרה דקיה, פלסטיני כס חלט בפחות צוקה. इसराइल के ऑपरेशन स्वार्ड ऑफ आयरन के तहत इसराइल ने सबसे ज्यादा भीषण हमले उत्तरी गाजा में किए हैं। साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इसराइली हमलों में अब तक 1,00,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा की लगभग 11,00,000 की आबादी में से 85% फलस्तीनी हमास समर्थक भाग चुके हैं। ज्यादातर फलस्तीनी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे हैं। इसराइल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। 80 दिनों से ज्यादा की जंग में इसराइल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ाके छिपे हुए थे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दक्षिणी गाजा में भयानक बमबारी शुरू कर दी है। दक्षिणी गाजा में इसराइली वायुसेना 907 किलो के सैकड़ों बम गिरा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहायशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए हैं। कुल मिलाकर हमास, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान इसराइल के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा ईरान अपने कमांडर की मौत का बदला कैसे लेगा।